हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आयुर्वेदा। आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे राजस्थान की जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं ना, NIA जयपुर को छोड़ के, क्योंकि वो एक नेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। तो जितनी भी कॉलेजेस है राजस्थान की गवर्नमेंट, उन सभी कॉलेजेस में क्या कट ऑफ रहा था लास्ट ईयर, उसके अकॉर्डिंग हम लोग जो है देखेंगे कि 2024 में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा, ठीक है। एवरी कैटेगरी के बारे में बताने वाला हूं, चाहे वो जनरल कैटेगरी हो, ओबीसी, एससी, एसटी, बैकवर्ड क्लास, सभी के लिए बताने वाला हूं मैं कि क्या मिनिमम मार्क्स पे जो कॉलेज अलॉट हुई थी, ठीक है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ गवर्नमेंट BMS कॉलेज कितने हैं। देखिए, पूरे राजस्थान में ना टोटल जो है आपको 8 गवर्नमेंट BMS कॉलेजेस हैं। पहले से तो 2 थे ही और 6 नई कॉलेजेस आ गई है लास्ट ईयर, ठीक है। तो 8 कॉलेजेस, और टोटल नंबर ऑफ सीट की बात करें तो 520 सीट है यहाँ पे पूरे राजस्थान में गवर्नमेंट सीट, ठीक है। अगर यहाँ पे NIA जयपुर को भी आप काउंट कर लीजिएगा तो टोटल 9 कॉलेज हो जाएगा और सीट जो है वो आपका 600 कुछ हो जाएगा, ठीक है, 645 के समथिंग हो जाएगा। लेकिन चूंकि NIA जयपुर की जो सीट है ना, वो ऑल इंडिया कोटा के लिए होता है, स्टेट कोटा के रिजर्व नहीं रहता, इसलिए मैं राजस्थान में काउंट नहीं कर रहा हूं उसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा, ठीक है, कि क्या कट ऑफ रहने वाली है राजस्थान की और 2023 में क्या कट ऑफ थी, जो नई कॉलेजेस थी वो कितने मार्क्स पे अलॉट हुई थी, आपको सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। बच्चों, बहुत ही मुश्किल से, बहुत ही मेहनत करके मैंने एक एक कॉलेज की जो है मिनिमम कट ऑफ निकाली है और हर कैटेगरी की कॉलेज जो है मैं शो करने वाला हूँ। यह लिस्ट जो है मेरे द्वारा ही बनाई हुई है। सबसे पहले हम देखेंगे कि देखिए, हर कैटेगरी में ना बॉयज के लिए अलग कट ऑफ रही है और जो है गर्ल्स के लिए अलग कट ऑफ रही है, यानी कि जो है मैंने यहां पे लिख रखा है, यहां पे देखिए बॉयज, ठीक है, और गर्ल्स हर कैटेगरी के अंडर ये मैंने बना रखा है। तो जो बच्चे जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ना, ठीक है, वो बॉयज गर्ल्स के लिए मैंने अलग बना रखा है। स्टेट रैंक भी मैंने दे रखा है कि जो राजस्थान में आप काउंसलिंग करोगे ना, तो राजस्थान स्टेट की आपको एक रैंक मिलेगी, ठीक है, और एक ऑल इंडिया रैंक, पूरे भारत में क्या रैंक रही आपकी नीट के हिसाब से, वो ऑल इंडिया रैंक बनेगी। और यहाँ पे नीट का स्कोर मैंने मार्क्स लिख रखा है, ठीक है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जनरल कैटेगरी से जो बच्चे थे, बॉयज की बात करें तो यहाँ पे स्टेट रैंक उनका 276 था, जो मिनिमम कट ऑफ गया था, ठीक है। ऑल इंडिया रैंक जो था उनका 75,707 रहा था, मार्क्स देख सकते हैं आप 536, ठीक है। उसी तरह गर्ल्स की बात करें तो 314 रहा था स्टेट रैंक और 81,503 जो है वो ऑल इंडिया रैंक रहा था। नीट स्कोर जो है उनका 529 नंबर पे ये कॉलेज उनको अलॉट हुआ था, ठीक है। उसी प्रकार EWS की बात करेंगे आप, EWS में जो मिनिमम कट ऑफ रहा है ना, वो 352 रहा है स्टेट रैंक, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक रहा है 88,194 और नीट का स्कोर जो है आपको देख सकते हैं 522 नंबर पे कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार गर्ल्स के लिए 371 जो है स्टेट रैंक रहा है, ऑल इंडिया रैंक रहा है 91,408 और मार्क्स रहा है आपका 518, ठीक है। ओबीसी की बात करें, अगर आप राजस्थान से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी में पिछले साल क्या मिला था, बॉयज के लिए जो है 323 जो है स्टेट रैंक पे कॉलेज अलॉट हो गई थी, ठीक है, जिनका ऑल इंडिया रैंक था 88,719 और नीट स्कोर था उनका 528, ठीक है। गर्ल्स के लिए बात करें ओबीसी का, तो 451 गर्ल्स के लिए था, ऑल इंडिया रैंक था 1,08,513 और नीट स्कोर था उनका 500 नंबर, ठीक है। उसी प्रकार एमबीसी यानी कि मोर बैकवर्ड क्लास की बात करें तो बॉयज में जो है स्टेट रैंक था 554, फिर भी उनको कॉलेज अलॉट हो गया है। ऑल इंडिया रैंक देखेंगे वहां पे 1,41,243 ऑल इंडिया रैंक था, नीट स्कोर था मात्र 469, ठीक है। तो ये जो है आपका मोर बैकवर्ड क्लास का है, यहाँ पे बॉयज का है, ये गर्ल्स का है। गर्ल्स का स्टेट रैंक था 959 जो कि ऑल इंडिया रैंक हुआ 2,80,786 और नीट स्कोर था मात्र 369। जी हाँ दोस्तों, ये एमबीसी का है, मोर बैकवर्ड क्लास के कैटेगरी का जो है स्कोर है, ठीक है। एससी कैटेगरी की अगर बात करें तो बॉयज के लिए जो आपका कैटेगरी रहा था स्टेट कोटा में, वो 782 रहा था, जिनको लास्ट कॉलेज अलॉट हुआ था, ठीक है। 216,520 जो है ऑल इंडिया रैंक रहा था और नीट स्कोर जो है एससी कैटेगरी का 410 नंबर पे जो है कॉलेज अलॉट हो चुकी थी, ठीक है। एसटी कैटेगरी की अगर बात करें तो बॉयज के लिए स्टेट कोटा का 926 एसटी कैटेगरी में
राजस्थान की स्टेट कोटा की बात करूं मैं, 926 अब देख सकते हैं स्कोर यहां पे, मात्र 379 इस मार्क्स पे जो है आपको बॉयज को कॉलेज मिला है। और गर्ल्स की बात करें एसटी कैटेगरी में तो 995 स्टेट रैंक रहा है, जिसका ऑल इंडिया रैंक था 297,894 जिनका नीट स्कोर था 359। ठीक है, तो बच्चों आप देख सकते हैं कि अगर काउंसलिंग सही तरीके से आप करा रहे हो ना तो आपको 359 मार्क्स पे भी कॉलेज अलॉट हो गया है। अगर बात जनरल कैटेगरी करें तो 529 पे लड़कियों को और 536 पे जो है लड़कों को ये कॉलेज अलॉट हुआ है। तो ये काउंसलिंग कराने की जो प्रोसेस होती है ना, अगर इसको आप सही तरीके से करते हैं, अगर आप अपनी च्वाइस फिलिंग सही तरीके से करते हैं तो डेफिनेटली अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आपको बढ़िया कॉलेज मिलेगा। ठीक है, काउंसलिंग से जुड़ी किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हैं आप, ठीक है, या फिर आप हमारे द्वारा अपनी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, आप गवर्नमेंट कॉलेज के लिए देख रहे हैं, आप प्राइवेट कॉलेज के लिए देख रहे हैं, किसी और स्टेट में जाना चाहते हैं या फिर अपने स्टेट में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके आप हमारी पेड काउंसलिंग ईमेल करके हमसे काउंसलिंग करा सकते हैं। हम आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग एक बेहतर कॉलेज में सिलेक्शन करा के आपका एडमिशन कराएंगे। फिलहाल हमने देखा राजस्थान की जो है जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उन सबकी कट ऑफ देखी कि क्या सबसे मिनिमम मार्क्स पे वो कॉलेज अलॉट हुई थी। ठीक है, ऐसे ही ढेर सारी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल दी आयुर्वेदा को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके और आप काउंसलिंग में किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक ना करें। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।